हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू देवा प्योर टेक्निकल। आज की वीडियो जो है वो काफ़ी खास होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में बात करेंगे जो अडानी वाला कंपनी है और जो रुचि सोया कंपनी है, इन दोनों के जो शेयर अभी करंट में मार्केट में चल रहे हैं उसमें से हम किस कंपनी के शेयर में ज़्यादा प्रॉफिट ले सकते हैं, कौन सी कंपनी का जो शेयर है हमें लॉन्ग टर्म में या शॉर्ट टर्म में ज़्यादा प्रॉफिट दे सकता है, किस कंपनी की ग्रोथ जो है ज़्यादा फ्यूचर में होने वाली है और किस कंपनी का जो है शेयर हमें एक अच्छा बेनिफिट्स जो है दे सकता है। यदि हम बात करें तो सबसे पहले हम कंपनियों की डिटेल देखेंगे, उसके बाद हम उनके फाइनेंशियल डाटा देख लेंगे कि आखिर फाइनेंशियल डाटा क्या है कंपनी के, उसके बाद हम बात करेंगे प्रॉफिट्स की, कितना इन्होंने प्रॉफिट जनरेट किया है, उसके बाद हम जो है इनका फ्यूचर प्लान देख लेंगे किस कंपनी का क्या फ्यूचर प्लान है, उसके बाद हम देख लेंगे इन्वेस्टमेंट जो है हमें लॉन्ग टर्म में करना है, शॉर्ट टर्म में करना है कि नहीं करना है, और फिर हम देखेंगे कि हम किस कंपनी को जो है प्रीफ्रेंस दें और किस कंपनी के शेयर को हम ज़्यादा खरीदने की कोशिश करें और किस कंपनी का जो शेयर है वो हमें लॉन्ग टर्म में या शॉर्ट टर्म में ज़्यादा प्रॉफिट दे सकता है। यदि हम बात करें तो मार्केट कैप के अनुसार यदि हम कंपनी की बात करें तो दोनों ही कंपनी जो है एडिबल ऑयल बनाती हैं, दोनों ही कंपनी का जो व्यापार है वो एडिबल ऑयल्स का है। प्लस जो है अडानी वाल्मीर की बात करें तो अडानी वाल्मीर का जो मार्केट कैप है वो 92,283 करोड़ रुपये है। यदि हम इसके मार्केट कैप की बात करें और जो रुचि सोया का जो मार्केट कैप है वो 46,675 करोड़ रुपए है, यानी कि एक तरह से हम देखें तो इसका जो मार्केट कैप है वो इससे लगभग डबल है, इसकी अपेक्षा जो है ये डबल है, दोगुना है। तो ये तो होगी मार्केट कैप की बात। अब हम बात कर रहे हैं यदि हम इसके रैंक की बात करें तो इस कंपनी की जो रैंक है वो 52 है अडानी वाल्मीर की, और रुचि सोया की यदि हम बात करें तो इसकी जो रैंक है वो 114 है। तो यदि हम रैंक की बात करें तो रैंक में भी ये लगभग जो है इससे दोगुना आगे है। यदि हम बात करते हैं कि ये कंपनी है किस टाइप की, तो कंपनी की बात करें तो ये लार्ज कैप कंपनी है। यदि हम कंपनी की बात करें तो ये जो अडानी वाल्मीर कंपनी है ये लार्ज कैप कंपनी है, और यदि हम रुचि सोया की बात करें तो ये मिड कैप कंपनी है, मिड कैप कंपनी है। लार्ज कैप और मिड कैप से हम इस तरह से समझ सकते हैं कि जैसे विकसित देश होता है वो लार्ज कैप कंपनी है, और जो विकासशील देश होता है, एक एग्जांपल की तरह मैं बता रहा हूँ, वो मिड कैप कंपनी होती है। अब हम आगे देख लेते हैं इसके जो फाइनेंशियल डाटा हैं उनकी बात करेंगे कि आखिर इनकी जो कंपनी के जो रेवेन्यू जनरेट किए या प्रॉफिट जनरेट किया वो किस तरह से है। 2022 से ही हम इसके डाटा उठाएंगे क्योंकि हमें ज़्यादा पीछे जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि धीरे धीरे जो कंपनी ग्रोथ करती जाती है उसी हिसाब से उसका जो शेयर का प्राइस है वो फ्लैक्चुएट होता है। अब हम बात कर लेते हैं इसके फाइनेंशियल डाटा की। यदि हम डिटेल की बात करें तो अडानी वाल्मीर ने जो है वो 2021-22 के अंदर जो है 54,390 करोड़ रुपए का रेवेन्यू जनरेट किया, चौवन हज़ार 390 करोड़ रुपए का रेवेन्यू किया। यदि इसकी बात करें रुचि सोया की, जिसने 24,284 करोड़ रुपए का रेवेन्यू जनरेट किया। दूसरी बात अगर हम इसे देखें तो यहाँ भी अडानी वाल्मीर लगभग इससे दुगुना है, दुगने से भी ज़्यादा इसने रेवेन्यू जनरेट किया। यदि हम प्रॉफिट्स की बात करें तो प्रॉफिट जो है 770 करोड़ रुपए का जनरेट किया है, और रुचि सोया ने 806 करोड़ रुपए का रेवेन्यू इसने जनरेट किया है। तो यदि यहाँ हम ध्यान से देखें तो प्रॉफिट के मामले में रुचि सोया का रेवेन्यू कम है, लेकिन इस यदि हम यहाँ ध्यान से देखें तो प्रॉफिट के मामले में यदि हम देखें तो रिवेन्यू भले ही अडानी वाल्मीर का ज़्यादा है, लेकिन जो प्रॉफिट है वो 770 करोड़ रुपए है अडानी वाल्मीर का, लेकिन रुचि सोया का रिवेन्यू कम होने के बावजूद भी, दो गुना से भी कम होने के बावजूद, यानी आधा होने के बावजूद भी, आधे से भी कम इसका जो रिवेन्यू इसने जनरेट किया वो 806 करोड़ रुपये का आफ्टर प्रॉफिट जो है, यानी कि प्रॉफिट जो है वो टैक्स वैक्स काटने के बाद जितना प्रॉफिट कंपनी ने बचाया है वो काफ़ी अच्छा इसने प्रॉफिट जनरेट किया है। तो उस हिसाब से देखें तो हमें रुचि सोया जो है काफ़ी अच्छी ग्रोथ वाली कंपनी नज़र आती है। यदि हम इसके प्रमोटर होल्डिंग की बात करें तो इसके अंदर जो प्रमोटर होल्डिंग वो 87.9% है, और यदि हम इसकी बात करें रुचि सोया की तो इसके अंदर जो प्रमोटिंग होल्डिंग है वो 80.82% है। यदि हम इसकी बात करें कि जो अडानी वाल्मीर है और जो रुचि सोया है ये कंपनी जो है जो एडिबल ऑयल बनाती है उसमें इंडिया में इनका कितना योगदान है उसकी बात करें, मेरे की बात करें तो ये 17%
का इंडिया में योगदान दे दी है अडानी वाल में। और यदि हम रुचि सोया की बात करें तो रुचि सोया जो है वो 8% जो इंडिविजुअल है उसका योगदान इंडिया में करती है। उस मामले में भी अडानी वाल में जो है इससे दोगुनी आगे है एक तरह से देखे दो। अब हम बात करें इसका जो शेयर है उसकी क्या परफॉर्मेंस है। यदि हम शेयर की बात करें इसके तो अडानी वाल में का जो शेयर है उसका जो यानी कि जो उसका करंट प्राइस चल रहा है लगभग वो 770 रुपये चल रहा है। और इसके जो हाई की बात करें ये हाई गया था अपना 878 रुपये, और इसके लो की बात करें तो ये गया था 222 रुपये। ये होगी अडानी वाल महल के शेयर की बात, इसका जो शेयर प्राइस है। अब हम बात कर लेते हैं रुचि सोया की प्राइस की बात, शेयर की बात। तो रुचि सोया का जो शेयर है उसकी यदि हम प्राइस की बात करें तो प्रेजेंट टाइम में उसका जो प्राइस वो 1124 रुपये उसका चल रहा है। यदि हम उसके हाई की बात करें तो ये 1227 रुपये गया था। दूसरी बात, जब इसका FPO भी लॉन्च हुआ था कुछ समय पहले तो वो लगभग 650 रुपये से कम पे ही लॉन्च हुआ था, उसने लिस्टिंग गेन जो लगभग 850 रुपये के आसपास 880 रुपये या 850 रुपये के आसपास उसने जो है लिस्टिंग गेन दिया था। तो उसने काफ़ी जो है प्रॉफिट हमको दिया था FPO ने भी इसके रुचि सो आगे। तो उस लिहाज से भी हमें रुचि सोया जो है काफ़ी आगे नज़र आते हैं। यदि हम बात करें इसके फ्यूचर प्लान की क्या है, अब हम फ्यूचर डिटेल प्लान आ जाते हैं। यदि हम फ्यूचर प्लान की बात करें तो जो रुचि सोया है इसका फ्यूचर प्लान ये है कि ये जो है नॉर्थ ईस्ट इंडिया के अंदर जो पाल्म ऑयल है उसका जो है पाल्म ऑयल की जो ट्री है उनका प्लांटेशन कर रही है। तो उस लिहाज से अगले 3, 4 से 5 साल में जब इसका ये प्लान पूरा कंप्लीट हो जाएगा, इसकी अर्निंग स्टार्ट हो जाएगी, तो भारत जो विदेशों से पाल्म ऑयल का जो इंपोर्ट करता है उस पर भारत की निर्भरता काफ़ी कम हो जाएगी। और रुचि सोया का जो ग्रोथ है वो काफ़ी बढ़ने की संभावना है, क्योंकि इसका जो इस मार्केट में जो पाल्म ऑयल के मार्केट में ये लगभग जो है इंडिया में काफ़ी जो है सप्लाई उपलब्ध कराएगा। तो उस लिहाज से जो है इसका जो बिजनेस है वो काफ़ी ग्रोथ कर सकता है। यानी कि हम यदि इसके जो शेयर हैं इसको यदि हम एक्यूमुलेट कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट करके रख लें, तो हमें जो है आने वाले भविष्य में काफ़ी जो है अगले यानी कि 4 से 5 साल में काफ़ी प्रॉफिट हो सकता है। ये इसका फ्यूचर प्लान है, यानी कि PE वैल्यू की बात करें तो अडानी ऑयल मैन की PE वैल्यू और रिटर्न ऑफ इक्विटी की बात करें तो दोनों की ही रिटर्न ऑफ इक्विटी तो 15.5 है, दोनों की ही रिटर्न ऑफ इक्विटी तो 15.5। यदि हम पी वैल्यू की बात करें तो अडानी वाल मैन का जो पी वैल्यू 114 है। यदि हम रुचि सोया की बात करें तो इसका जो पी वैल्यू 50.4 है। अब हम बात कर लेते हैं कि इन कंपनियों के ऊपर कितना डिबेट है, यानी कि कर्ज कितना है। यदि हम कर्ज की बात करें तो जो अडानी वाल मैन है इसके ऊपर 2626 करोड़ रुपए का कर्ज है, ये हम लिखेंगे डिबेट, यानी कि इनके ऊपर जो कर्ज है वो 2626 का है। और यदि हम रुचि सोया की बात करें तो इसके ऊपर 3696 करोड़ रुपए का कर्ज है, यानी कि रुचि सोया के ऊपर जो है वो थोड़ा ज़्यादा कर्ज है और इसके ऊपर जो है कम कर्ज है। बात कर लेते हैं कि हम किस कंपनी में किस कंपनी के शेयर में इन्वेस्टमेंट करें और किस कंपनी के जो शेयर है वो हमें लॉन्ग टर्म में प्रॉफिट दे सकता है। यदि हम पहले बात कर लेते हैं अडानी वाल मेल की, तो अडानी वाल मेल की यदि हम बात करें तो ये एक बड़ी कंपनी है, लार्ज कैप कंपनी है, इसका इंडिया में भी 17% का योगदान है इंडिविजुअल वाल में। प्लस कंपनी जो है अन्य प्रोडक्ट भी बनाती है जैसे दाल, चावल, आटा, सूजी, तो इस तरह के अन्य प्रोडक्ट भी यानी कि FM उसमें भी जो ये कंपनी है ये अन्य प्रोडक्ट भी उत्पादित करती है। यदि हम रुचि सोया की बात करें तो रुचि सोया भी जो है अब जो है पंतजलि प्रोडक्ट में चेंज हो जाएगी, तो इसकी जो ग्रोथ है वो काफ़ी बढ़ने की संभावना, क्योंकि रुचि सोया की यदि हम बात करें तो रुचि सोया भी बिस्कुट और जो इसकी सोया बड़ी है वो तो काफ़ी फेमस है रुचि सोया की बिस्कुट।
प्लस जो अन्य जो खाद्य वस्तु हैं उनको भी बनाती है, जो प्रोडक्ट हैं, तो इस लिहाज से देखें तो ये रुचि सोया का भी काफ़ी जो स्कोप है। प्लस जो जैसे मैंने बताया कि जो पाल्म इंडस्ट्री है, यानी कि पाल्म ऑयल का जो ये उत्पादन नॉर्थ ईस्ट में कर रही है, तो उस लिहाज से भी इसके जो है शेयर के जो प्राइस है वो काफ़ी जो है इन फ्यूचर 4 से 5 साल में बढ़ने की पूरी पूरी संभावना है। प्लस यदि हम देखें तो ये जो कंपनी है अडानी वाले में, ये लार्ज कैप कंपनी है, तो लार्ज कैप जो कंपनी होती है उसकी जो ग्रोथ होती है वो जो है वो उसकी जो थोड़ी ग्रोथ की जो स्पीड होती है वो स्लो होती है, क्योंकि वो एक अपने सेचुरेशन पॉइंट पे यानी कि मैक्सिमम पॉइंट पे पहुंच चुकी होती है। तो उस लिहाज से देखें जैसे विकसित देश होते हैं उनकी जो आपने देखा होगा कि जो उनके GDP के आंकड़े होते हैं उनकी जो ग्रोथ होती है वो 2% 1.5% होते हैं, जैसे आप अमेरिका का उठा लो। यदि हम वहीं इंडिया की बात करें जो कि विकासशील देश है उसकी ग्रोथ की बात करें तो 8% 9% 7.5% इस तरह से रहती है। तो इसलिए जो ये जो रुचि सोया ये मिड कैप कंपनी है, तो उस लिहाज से चूंकि ये मिड कैप से जो है ये लार्ज कैप की तरफ जाएगी, तो उस लिहाज से इसके जो है काफ़ी ग्रोथ के इसमें चांस हैं रुचि सोया में। हालांकि ये जो कंपनी है अडानी वायल में ये बहुत स्ट्रॉन्ग कंपनी है, तो इसके जो है इसके ऊपर ऐसे भी कोई खतरा नहीं इंसॉल्वेंसी का या कुछ भी, ऐसे तो रुचि सोया के ऊपर भी कोई नहीं है, लेकिन भविष्य में किसी का भी कुछ नहीं पता है कि क्या हो सकता है। लेकिन मेरा ये मानना है एक्सपेक्टेशन की यदि हम बात करें, मैं रेशियो अगर लूँ तो मैं 40% जो है अडानी वाल मेर को दूंगा और 60% जो है मैं दूंगा रुचि सोया को, कि आप जो है रुचि सोया में यदि मेरी ये अपनी एक्सपेक्टेशंस हैं अपनी प्रेडिक्शन है कि मैं रुचि सोया में 60% जो इन्वेस्टमेंट करना पसंद करूंगा और अडानी वाल मेर में 40% जो है मैं इन्वेस्टमेंट करना पसंद करूँगा। बाकी दोस्तों आप जो है अपना जो जो भी आपका फ्यूचर प्लान है वो आप अपने हिसाब से जो है एनालिसिस कर लें। मेरा काम है एक तरह से अपने जो मेरे व्यूज हैं या मेरी जो भी सोच है उसके अनुसार आपको बताना, वो भी प्लस इसके जो है जितनी भी डिटेल्स थी आंकड़े थे उनके आधार पे जो है जो भी एक जो एक अंदाज़ा आदमी को लग जाता है कि हम किस में ग्रोथ की संभावना है किस में नहीं है, क्या इसके डाटा है, कितना कर्ज है, क्या कंपनी कोई फ्यूचर में इंसॉल्वेंसी तो नहीं हो सकती, बैंकक्रप्टी कोर्ट में तो नहीं जा सकती, तो उस लिहाज से यदि हम देखें तो ये कंपनी जो है काफ़ी दोनों ही स्ट्रॉन्ग है, इनके ऊपर ऐसा कोई ख़तरा नहीं है। लेकिन मेरा ये कहना है कि आप अपनी भी जाँच पड़ताल कर ले उसके बाद ही किसी भी शेयर में जो है इन्वेस्टमेंट करें। ये जरूर है कि इस कंपनी में ग्रोथ ज़्यादा हो सकती है, इसमें कम हो सकती है, लेकिन दोनों ही कंपनी अच्छी है, दोनों में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। रेशियो मैंने आपको बता दें 40:40 का। ज़्यादा आपको प्रॉफिट लॉन्ग टर्म में लेना है तो आप सोया में इन्वेस्ट करिए, यदि आपको धीरे धीरे ही सही काफ़ी वो ले है। लेकिन प्रेजेंट टाइम की यदि हम बात करें तो अडानी वैल प्रेजेंट टाइम में बहुत स्ट्रॉन्ग कंपनी है। फ्यूचर की यदि हम बात करें तो फ्यूचर के लिए लिहाज से देखें तो रुचि सोया जो है काफ़ी कंपनी अच्छी नज़र आ रही है। दोस्तों यदि आज की वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को शेयर करें, एक लाइक करें, और चैनल को पे यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारा जो टेलीग्राम चैनल है उसका उससे ज्वाइन करें ताकि आपको मार्केट से संबंधित जो भी अपडेट्स हैं, चाहे वो क्रिप्टो करेंसी हो, स्टॉक मार्केट की हो, IPO से संबंधित हो, आपको जो है अपडेट्स लगातार मिलते रहें। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।